दोस्तों आपने कई बार सुना होगा ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर और हेक्सा कोर प्रोसेसर के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेसर क्या होते हैं और ये ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर और ये क्या होते हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मैं नाम निशांत ज्योति, आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि ये प्रोसेसर ड्यूल कोर में है, ये 4 कोर है, इसमें 8 कोर है, इसमें ये है, इसमें वो है। अब बात करते हैं ये कोर क्या होती है। मान लो आपके पास एक ड्यूल कोर प्रोसेसर है और एक 4 कोर प्रोसेसर है। अगर आप दोनों की स्पीड में को अगर चेक करेंगे तो जो ड्यूल कोर है वो आपको स्लो मिलेगा, जो ऑक्टा कोर है वो आपको फास्ट मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास जो ड्यूल कोर प्रोसेसर है उसके अंदर उसी जो आपकी प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन दी हुई है उसी स्पेसिफिकेशन के आपको उसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर मिलते हैं, यानी कि डबल प्रोसेसर मिलते हैं। तो 4 कोर प्रोसेसर है उसके अंदर आपको उसी स्पेसिफिकेशन के टोटल 4 प्रोसेसर मिलते हैं। जो ड्यूल कोर प्रोसेसर है वो एक साथ 2 प्रोसेसर की तरह काम करता है और जो 4 कोर प्रोसेसर है वो एक साथ 4 प्रोसेसर की तरह काम करता है। आपने कई बार भी सुना होगा कि आपके कंप्यूटर में 4 कोर प्रोसेसर है, साथ ही साथ 8 थ्रेड्स हैं। ये थ्रेड्स क्या होती हैं? मान लो आपके पास 4 कोर प्रोसेसर है मगर आपके सीपीयू है वो उन्हें 8 कोर की तरह दिखाएगा आपके कंप्यूटर में और उसी तरह से उन्हें काम मिलेगा, यानी उनकी एनर्जी को पूरी तरह से काम मिलेगा। ये होती है थ्रेड्स। और अब बात करते हैं कि प्रोसेसर में ड्यूल कोर, ये ऑक्टा कोर, 8 कोर का क्या काम होता है। मान लो आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा बड़ा प्रोसेसर काम में लेना होता है। अभी कोर्स 16 कोर प्रोसेसर तक भी आती है, उससे ऊपर भी आती है। जो इंटेल के जियोन सीरीज के प्रोसेसर है उसमें आपको 16 कोर प्रोसेसर भी देखने को मिलते हैं और जो i7 में आपको लगभग 8 कोर प्रोसेसर तक देखने को मिल जाते हैं। ये कोर्स आपके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे कि आपके पास ड्यूल कोर है तो वो सिर्फ 2 CPU की तरह ही काम करेगा, मगर जो आपके पास 8 कोर प्रोसेसर है वो उसी स्पेसिफिकेशन के 8 कोर की तरह काम करेगा। ये होती है कोर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा कि कोर क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।